लगता है मेरा आगाज जो फिल्म इंडस्ट्री में हुआ था वो भी एक बहुत ही पेट्रियोटिक फिल्म से हुआ था, उसका नाम था शहीद। और मैंने मनोज कुमार ने भगत सिंह का रोल किया था और मैंने सुखदेव का रोल किया था उसमें। तो फिल्म बनाते वक्त वहाँ भी हमें बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी, तकलीफ हुई थी, लेकिन वो फिल्म एक कल्ट फिल्म बन के रह गई, बहुत अच्छी रही। तो ऐसी फिल्में करते हुए अच्छा लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो उसको हम सही तरीके से फिल्म के ज़रिए लोगों को बताना चाहते हैं, आज की जनरेशन को बताना चाहते हैं, ताकि लोग जो हैं समझ सकें कि हम हमारे लीडर्स ने हमारे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई क्या क्या कुर्बानियाँ उनको करनी पड़ी। कि मैं भोपाल में लगभग 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ जी। मीडिया का बहुत काम मैंने नहीं किया था, पर कहीं शायद मेरा चेहरा शास्त्री जी से मिलता है। धीरज जी को मुझे मैं कहाँ से मिला, उन्होंने मुझे कॉल किया। बाद में जब मुझे लगा कि मुझे लाल बहादुर शास्त्री का करैक्टर मिला है तो एक गर्वान्वित भी महसूस किया, क्योंकि वो बचपन से मेरे भी बहुत फेवरेट रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक अलग जॉनर की फिल्म है, लाल बहादुर शास्त्री की जो बायोपिक है, और हम किसी फिल्म से कंपेयरिंग नहीं करना चाहते हैं। अमित जी मेरे आइडियल रहे, उनको भी शुभकामनाएं और मेरे फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं।